इंडिया की पहली मिस यूनिवर्स और बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन 19 नवंबर को अपना 44th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। इन दिनों सुष्मिता फिल्मों से दूर अपनी फैमिली के साथ समय बिता रही हैं। तो चलिए सुष्मिता के बर्थडे पर जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो शायद ही आपको मालूम हो। क्या आपको पता है कि किस तरह सुष्मिता ने ऐश्वर्या से मिस इंडिया का जीतता हुआ ताज छीन लिया था? नहीं तो आपको ये बताते हैं। दरअसल आखिरी राउंड तक पहुंचते पहुंचते सुष्मिता और ऐश्वर्या के बीच टाई हो गया था। जज ने दोनों को ही 9.33 नंबर दिए थे। इसके बाद ये तय हुआ कि दोनों से एक एक सवाल पूछा जाएगा, जो इसका अच्छा जवाब देगा वो मिस इंडिया का खिताब जीत जाएगा। जज ने ऐश्वर्या से सवाल पूछा कि आप अपने पति में कैसी क्वालिटी देखना चाहेंगी, रिज फॉरेस्टर की तरह बोल्ड एंड ब्यूटीफुल या मेसन कैपविल के जैसा। बता दे कि रिज फॉरेस्टर और मेसन कैपविल दोनों ही बॉलीवुड सीरीज के कैरेक्टर के नाम है। इसके जवाब में आश ने कहा था, मेसन, हम दोनों में बहुत सी चीजें एक जैसी हैं। मेसन बहुत केयरिंग है और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, जो मेरे कैरेक्टर से मेल खाता है। वहीं सुष्मिता से पूछा गया, आपको अपने देश के टेक्सटाइल हेरिटेज के बारे में क्या जानकारी है, ये कब से शुरू हुआ और आप क्या पहनना पसंद करेंगी? इस पर सुष्मिता का जवाब था कि मुझे लगता है कि ये महात्मा गांधी के समय से शुरू हुआ था, इसे बहुत लंबा समय बीत चुका है। मुझे इंडियन और एथनिक वेयर पहनना बहुत पसंद है, मैं अपनी वार्डरोब में इंडियन वेयर रखना चाहूंगी। इस सवाल का जवाब देकर सुष्मिता ने बाजी जीत ली थी। यूं तो आए दिन सोशल मीडिया पर सुष्मिता सेन अपनी फिटनेस वीडियोस और पिक्चर्स शेयर करती रहती हैं, लेकिन कम ही लोग ये जानते हैं कि सुष्मिता एक जानलेवा हेल्थ कंडीशन से गुजर चुकी हैं। जी हाँ, एक इंटरव्यू में सुष्मिता ने बताया था कि 2014 में वो बंगाली फिल्म निर्बाक की शूटिंग के बाद काफी बीमार हो गई थी। डॉक्टर भी पता नहीं लगा पा रहे थे कि उन्हें हुआ क्या है। एक बार जब वो बेहोश हो गई तब उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पता चला कि उनके शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन नहीं बन रहा है। डॉक्टर का कहना था कि उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो उसके बाद ठीक हो गई। ये तो हम सभी जानते हैं कि सुष्मिता दो बेटियों की सिंगल मॉम है। सुष्मिता ने अपनी बड़ी बेटी रेने को साल 2000 में और छोटी बेटी अलीशा को 2010 में गोद लिया था। लेकिन आपको बता दें कि अलीशा को गोद लेने के लिए सुष्मिता को काफी पापड़ बेलने पड़े थे, क्योंकि हिंदू अडॉप्शन एक्ट के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति ने पहले से लड़की गोद ली हो तो वो दूसरी बार लड़की गोद नहीं ले सकती। इस वजह से सुष्मिता को अलीशा को गोद लेने के लिए अदालती लड़ाई लड़नी पड़ी थी। फिलहाल सुष्मिता इन सारे परेशानियों से लड़कर एक हेल्दी अनहैप्पी लाइफ जी रही हैं और उनकी लाइफ कई लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन भी है। आज उनकी बर्थडे के दिन सुष्मिता सेन को हर जिंदगी की पूरी टीम की तरफ से हैप्पी बर्थडे।